आनंद म्यूजिक प्रेजेंट्स। जिन्ना तक आप भरोसा तेरे नाम दा ओना दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तक आप भरोसा तेरे नाम दा ओना दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे नाम दा ओना दे बेड़े पार हो गए। सत्कार योग संगत जी, जिन्हां ने प्रभु परमेश्वर दे पावन पवित्र चरणां दा ओट आसरा सहारा तकिया है, उन्हां दे लोक सुखिए ते परलोक सुहेले हो गए। जड़े जीव प्रभु परमेश्वर दे बन गए ते फिर प्रभु परमेश्वर उन्हां दा बन गया। एक ब्राह्मण दे पांच पुत्र सन, सारियां तो छोटा बच्चा हर वेले सत संगत विच जाया करदा, करदा कोई कम कार नहीं करदा। उस बच्चे दे माता पिता उस बच्चे तो बहुत तंग आ गए। हर वेले आखिया करन, जे तू साडे घर जन्म ना लेंदा ता चंगा सी। जिस दिन दा तू साडे घर आया है साडा मन बड़ा उदास रहिंदा। उस नगरी दा जो राजा सी उसदे घर औलाद नहीं सी। उसने औलाद दी खातर बहुत जतन किते पर सारे निष्फल चले गए। रानी रोज राजे नूं आखिया करे, राजा राजा जी की साढ़े घर औलाद नहीं आवेगी, असी दुनिया तो औत ही चले जावांगे। क्योंकि जड़ियां मावां ने ओ पुत्रां बदले खूहां विच जाल पाउंदियां ने। जिस मां दे कोल पुत्र नहीं उस मां नूं पुछ के देखिया जाए। जिस पिता दे कोल पुत्र नहीं उस पिता नूं पुछ के देखिया जाए। जिस भैन दे कोल वीर नहीं उस भैन नूं पुछ के देखिया जाए। क्योंकि भैन जड़ी है वीर तो बगैर रखड़ी दा त्यौहार नहीं मना सकती। किसे कवि ने लिखिया है, मावां दे प्रथाए मावां भवें होवन परियां, पैनन पट हंडावन जरियां, शाही घरी व्याईयां वरियां, पर पूरा कदी शिंगार ना होवे जे गोदी विच लाल ना होवे। जिस मां दी गोदी दे विच लाल नहीं उस मां दा सुहपन चंगा नहीं लगदा। रानी रोज राजे नूं आखिया करे, राजा जी साढ़े घर की औलाद नहीं होवेगी,
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਹੁਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵੱਛ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵੱਛ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇਊਂਗਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਧਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨਿਪਾਗਨ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਧਨ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
तुहानू ये भी सुन गया होना है कि इस तुहाडे बच्चे नू कतल किया जाना है। जड़े बच्चे नू मैं मुल खरीदना है उसकी बलि दिती जानी है, उस बच्चे दे टोटे किते जाने ने, उस बच्चे का मैं खून लैके ते टोटे जड़े ने वो जमीन दे विच दब देने ने। हो कहन लगे राजन जदों असी तुहाडे कोल वेच दिता अगे तुहाडी मर्जी है, सानू तां धन दी लोड़ है। राजा सुन के टंडोरा आप दा असी आए पुत वेचने नू। राजा सुन के टंडोरा आप दा असी आए पुत वेचने नू। राजा सुन के टंडोरा आप दा आए पुत वेचने नू। राजा सुन के टंडोरा आपदा असी आए पुत वेचने नू। राजा सुन के टंडोरा आपदा असी आए पुत वेचने नू। राजा जी आप दा टंडोरा सुनिया असी पुत वेचन वास्ते आए हो। राजा कहन लगा जाओ मेरे खजाने दे विचो तुहानू जिन्ना धन चाहिदा है जाके लै सकदे हो। धन लै के माता पिता वापस तुर पै। बच्चा देख के हैरान रह गया, ए मेरे माता पिता ने की कीता, मैनू कतल करवाउण वास्ते राजे दे कोलों माया लै ली, धन लै लिया, पैसे लै के वापस तुरे जा रहे ने। बच्चा देखी जा रहा है अपने माता पिता वाले। राजे ने अपने अहलकारा नू सद्या, वजीरा नू सद्या, नाल जुलादा नू भी सद लिया। राजा कहन लगा इस बच्चे नू पकड़ के रावी दरिया के किनारे लै जाओ। रावी दरिया के किनारे ले जा के इस बच्चे का कतल कर दिओ, इस बच्चे दे टोटे कर दिओ। बहुत सारा एदा खून लैके तुसा ने वापस आ जाना है, ते जड़े टोटे ने उस रावी दरिया के किनारे दब देने ने। उस बच्चे नू जलादा ने पकड़ लिया, रावी दरिया के किनारे लै गए। उधरों राजा आप महलां दे उपर चढ़ के देख रहा कि उस बच्चे नू किवें कतल करनगे। किते इउं तां नहीं हुंदा कि उस बच्चे दे एक दो अंग कट के ते मैनू आ के कह देन के राजन उस बच्चे नू असी कतल कर आए हां। राजा आप महिलां दे उपर तड़के देखन लग पिया। उस बच्चे नू जदों जलाद कतल करन लगे, उस बच्चे तो पुछया गया कि भाई बच्चा तेरी को आखरी ख्वाहिश है, क्योंकि जदों भी किसे मुर्जम नू किसी गुनाहगार नू फांसी दिती जांदी है, फांसी देन समय उस तो पुछया जांदा है भाई तेरी को आखरी ख्वाहिश है, तू किसे रिश्तेदार साग संबंधी नू मिलना, किसे भैन भरा नू मिलना, जा कुछ खाना पीना ते ओ खा पी लै, तेनू अज फांसी दिती जानी है। इस बच्चे नू भी जुलादा ने पुछया भाई बच्चा तेरी को आखरी ख्वाहिश है, तैनू अज हुणे
कत्ल कर देना है, तेनू मार के खत्म कर देना है। तेरी को आखरी ख्वाहिश है उस बच्चे नू जलाद पुछ रहे ने। तेनू मार के मुका देना बच्चे तै आखरी ख्वाहिश दस दे। तेनू मार के मुका देना बच्चे तै आखरी ख्वाहिश दस दे। तैनू मार के मुका देना बच्चिया तै आखरी ख्वाहिश दस दे। तैनू मार के मुका देना बच्चिया तै आखरी ख्वाहिश दस दे। जलाद उस बच्चे नू कहन लगे बच्चा तैनू हुने कत्ल कर देना, तेरी को आखरी ख्वाहिश है किसे तू रिश्तेदार नू मिलना जा किसे भैन भरा नू मिलना, किसे माता पिता नू मिलना जा कुछ खाना पीना ते ओ तू खा पी लै। तैनू अज हुने मार के मुका देना क्योंकि सानू राजे दा हुक्म है। ओ बच्चा कहन लगा मैं किसे नू कादा मिलना है, ना कुछ मैं खाना पीना है। जलाद कहन लगे फिर तेरी आखरी ख्वाहिश की है। ओ बच्चा कहन लगा मैनू पंज सत मिनट दा समा दिता जावे, मैं उस निरंकार दा शुकराना कर लवां। उस बच्चे ने की कीता सत्कार जोग संगत जी, चौंकड़ा मार लिया। चौंकड़ा मार के उस बच्चे ने चार ढेरियां बना लिया। चार ढेरियां बना के ते उठ खड़ोता, उन्हां चौं ढेरियां दी परिक्रमा करनियां शुरू कर दित्तियां। पहली ढेरी दियां परिक्रमा कीतियां ते ओ ढेरी टा दित्ती, पैरां नाल मल दित्ती। दूसरी ढेरी दियां भी परिक्रमा कीतियां ते ओ भी ढेरी टा दित्ती। तीसरी ढेरी दे कोल गया, उहदियां भी परिक्रमा कीतियां ते ओ भी ढेरी टा दित्ती। जदों चौथी ढेरी दे कोल गया, परिक्रमा कर रहा है ते नाल ही निरंकार नू याद कर रहा है, बेनती कर रहा है निरंकार दे चरणा विच। अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाई है। हे निरंकार प्रभु परमेसर, मैनू एक आसरा रह गया ते सिर्फ तेरा रह गया, होर मैनू किसे दा आसरा नहीं रह गया। ते निरंकार दे चरणा विच ओ बच्चा बेनती कर रहा है, होर सबे टाइयां टेरियां इक तकिया आसरा तेरा। हे निरंकार मैनू तेरा आसरा रह गया। निरंकार नू संबोधन करके बच्चा कह रहा है, इक तकिया आसरा तेरा होर सबे टाइयां ढेरियां। एक तकिया आसरा तेरा ते होर सबे टाइयां ढेरियां। एक तक के आया
ਹੋਰ ਸੱਪੇ ਟਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਸੱਪੇ ਟਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਪੇ ਟਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਪੇ ਟਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸੱਪੇ ਟਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਉਹ ਨਾ ਢਾਈ ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੜਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਹਿਲ ਕਰ ਗਏ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਢੇਰੀ ਆਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਢੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਢੇਰੀ ਆਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਢੇਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ
चाहे वह मैनू रख लवे, मैनू होर किसी का आसरा नहीं रह गया, आसरा तो केवल परमेसर का रह गया। राजा कहन लगा अज तिकर मैं इहो जिहा बच्चा किते नहीं देखिया, बड़िया सुलझियां गल्लां, बड़े सुलझे विचार इस दिन बड़िया सियाणियां गल्लां करदा है। मैं पुत्र वास्ते इसनू कतल करवाउणा चाहुंदा सी, होवे ना कि मैं इसनू आपदा पुत्र बना लवां। आपदे वजीरां नू राजा कहन लगा एक चंदन की चौंकी तैयार की जावे, एक सुंदर पोशाक बनाई जावे। सुंदर पोशाक तैयार की गई, चंदन की चौंकी तैयार की गई। राजा कहन लगा इस बच्चे नू इशनान करवा के इस चंदन की चौंकी के उपर बिठा के नवे वस्त्र पा के उवें कीता गया। सत्कार योग संगत जी उस बच्चे नू चंदन की चौंकी के उपर बिठा के नवे वस्त्र पा के राजा कहन लगा जिन्ना मेरा राज पा गए ना इस बच्चे दे नाम लिख दिता जावे। लिख दिता गया सत्कार योग संगत जी, जितना भी राज भाग सी उस बच्चे दे नाम लिख दिता। तको सत्कार योग संगत जी उस बच्चे ने परमेसर का आसरा तकिया, परमेसर की ओट तकी ते ओहदे लोक सुखीए ते परलोक सुहेले हो गए। कहण दा भाव है सत्कार योग संगत जी जड़े जीव प्रभु परमेसर दे बन जांदे ने, प्रभु परमेसर दा ओट आसरा सहारा तक लैंदे ने, उहनां दे लोक सुखीए ते परलोक सुहेले हो जांदे ने। किन्हां दे? जिन्हां ने भाई जपिया उस निरंकार नूं, उस निरंकार दा आसरा लिया है। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे चरणा दा उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे नाम दा उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे नाम दा, भरोसा तेरे नाम दा उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे नाम दा उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे उन्हां दे बेड़े पार हो गए। अरे उन्हां दे बेड़े पार हो गए, मेरे प्यारे उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्हां हा तेरे चरणां दा भरोसा ते बेड़े पार हो गए, मेरे प्यारे उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्ना तकिया भरोसा तेरे चरणां दा, भरोसा तेरे चरणां दा उन्हां दे बेड़े पार।